गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th में चैप्टर 13 की सेकंड एक्सरसाइज में हम 1-4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट 12.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर। तो आपका जो रेट है वो पर मीटर स्क्वेयर का गिवन है, इसलिए आंसर भी आपको पर मीटर स्क्वेयर में चाहिए। तो जो आपकी रेडियस है, रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 50 है तो रेडियस हाफ कर देंगे 25 सेंटीमीटर। अब वो सेंटीमीटर में है बट जो रेट है वो आपका मीटर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो एक सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 0.25 मीटर। हाइट आपकी गिवन है 3.5। अब जो पिलर होता है हम डेली लाइफ में देखते हैं, नीचे भी ग्राउंड से अटैच है, ऊपर आपका छत के साथ अटैच होता है, तो सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया दिखेगा। कर्व सरफेस ऑफ स्टैंडर्ड 2πRH वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व करके आ गया 5.5 मीटर स्क्वेयर। तो टोटल कॉस्ट का आपको पता है, एक मीटर स्क्वेयर का 12.5 है, तो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल एरिया को 5.12 से मल्टीप्लाई कर दी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन 4.4 मीटर स्क्वेयर एंड इफ रेडियस इज 0.5 फाइंड हाइट। तो बिल्कुल सिंपल है, कर्व सरफेस गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट को मैच ही रहने देंगे। कर्व सरफेस गिवन है 2π 22/7, रेडियस इज गिवन 0.5, 0.7 को डेसिमल को सिंपल बनाने के लिए 7/10 लिख देंगे, 4.4 को भी डेसिमल से सिंपल में चेंज कर लेंगे 44/10, तो कैलकुलेट करके आपका हाइट आ जाएगी 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल। सर्कुलर वेल आपने देखा होगा जो कुआं होता है वो भी एक सर्कुलर टाइप का होता है, तो सर्कुलर का मीन्स है गोल आपका, तो सर्कुलर मीन्स ये एक सिलेंडर ही बनेगा, इज 3.5 इसकी डायमीटर गिवन है एंड इफ 10 मीटर डीप, डीप मीन्स इसकी हाइट गिवन है, फाइंड इनर कर्व सरफेस एंड कोस्ट एट द रेट 40 पर मीटर स्क्वेयर। तो रेडियस गिवन है आपकी, डायमीटर 3.5 है, तो उस रेडियस आपकी हाफ कर देंगे 35/20, हाइट इज 10, कैलकुलेट करके आपका एरिया आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट के लिए 40 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर है, तो टोटल आपका 110 एरिया आया है, तो उससे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28। तो जो लेंथ होती है सिलेंडर की वही आपकी हाइट होती है, अगर उसको ऐसे देखिए, सिलेंडर को ऐसे वर्टिकली रखेंगे तो वो आपकी हाइट है इसकी, और उसको हॉरिजेंटली देखेंगे तो ये आपकी लेंथ से पता लगेगा हमें। तो एक्चुअल में लेंथ और हाइट एक ही चीज़ है, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, डायमीटर 5 है तो रेडियस उसका हाफ कर देंगे, सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो हाइट जो है वो 28 मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 2πR और ब्रैकेट R+H, ये आपको फॉर्मूला बताया था, वैसे तो होता है 2πR² + 2πRH, तो 2πR कॉमन लेके आपका फॉर्मूला बना था, वैल्यूज पुट करके आपका एरिया जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में आपके दो पार्ट हैं, इफ़ कर्व सरफ द कर्व सरफेस ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पाइप पेट्रोल टैंक, एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है और वो क्लोज्ड है, क्लोज मीन्स दोनों साइड से आपका बंद है, तो इसका टोटल एरिया लगेगा, ठीक है। तो आपका इसमें डायमीटर भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, रेडियस आपका कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 4.2 है तो इसका हाफ कर लेंगे 2.1, और हाइट गिवन है 4.5, तो 4 ना लगा देंगे, कर्व सरफेस 2πRH, 2π is 22/7, रेडियस इज 2.1, उसको लिख दिया 21/10, हाइट इज 4.5, इसको लिख दिया 45/10, तो कैलकुलेट करके आ गया 59.4 मीटर स्क्वेयर। अब सेकंड में है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, इसको बनाने के लिए स्टील का यूज हुआ है, इफ़ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड, कि जब हमने इसको बनाया, उसको एक दूसरे के साथ अटैच करा, उसको जब सिलेंड्रिकल शेप दी है शीट की, तो उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। सपोज करो कि एक 100 मीटर स्क्वेयर की आपकी टोटल शीट थी, जब उससे हम सिलेंडर बना रहे थे, उसको कटिंग पेस्टिंग कर रहे थे, तो 12
परसेंट उसका 12th पार्ट जो है वेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन में हम ले लेंगे कि लेट एक्चुअल शीट वाज यूज्ड इज एक्स, हमने मान लिया कि एक्चुअल में शीट एक्स थी क्योंकि एक्चुअल वाली बतानी है। तो पहले कर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, तो अगर एक्चुअल शीट एक्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस एक्स में से उस एक्स का अगर 12th पार्ट माइनस कर दें, मीन्स एक्स माइनस 1/12 ऑफ एक्स कर दें, तो ये आपका जो अब शीट बची हुई है, मीन्स जिसका जितनी शीट का अब टोटल आपका बना हुआ है कर्व सरफे टोटल सरफेस एरिया, तो वो आपका टोटल सरफेस निकाल लेंगे, जो सिलेंडर अब एक्चुअल में बना हुआ है वेस्टेज वाली सीट माइनस करके टोटल अगर एक्स थी उसमें 1/12 एक्स माइनस करने के बाद जो आपकी बची हुई शीट है वो किसके इक्वल होएगी, जितनी शीट उस सिलेंड्रिकल पाइप पे यूज हुई पड़ी है। तो सिलेंड्रिकल पाइप का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, इनको इक्वेट कर देंगे 11/12 आ जाएगा एलसीएम लेके, तो 12 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 डिवाइड में आ जाएगा, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है, इन फिगर ए लैम्प शेप द फ्रेम हैज बेस डायमीटर, इस एक लैम्प शेप है, एक आपका ये कंटेनर है कोई, इसके ऊपर हमने क्लोथ का एक इसका जो है कवर सिलना है, और इस कवर को सिलने के लिए जब हम सिलेंगे फोल्डिंग के लिए ऊपर भी हमारा जो है इस कवर को बनाने के लिए फोल्ड करने के लिए थोड़ा मार्जिन चाहिए, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। जैसे हम किसी क्लोथ का कुछ भी स्टिचिंग करते हैं तो थोड़ा सा सिलाई के अंदर आने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। तो अगर एक्चुअल हाइट इसकी 30 है तो क्लोथ की जो हाइट है वो कितनी लेनी पड़ेगी, 2.5 टॉप के लिए एक्स्ट्रा और 2.2 बॉटम के लिए, तो जो क्लोथ है उसकी हाइट आपकी 35 हो जाएगी, रेडियस आपकी सेम रहेगी। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इसकी जो आपका कंटेनर है इसकी हाइट 30 है बट जो क्लॉथ है क्लॉथ का जो हमने कवर बनाना है तो उसकी स्टिचिंग के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, 2.5 आपका टॉप पे और 2.5 नीचे बॉटम पे। तो हम क्या करेंगे, जो आपका सिलेंड्रिकल जो आपका कवर बनेगा उसकी रेडियस तो सेम रहेगी इस कंटेनर के अकॉर्डिंग, बट जो हाइट है उसमें 2.5 और 2.5 दो बार ऐड कर देंगे तो आपका 35 हो जाएगा। तो एरिया आपको निकाल लेंगे क्योंकि कर्वर जो है वो हमने कौन सा बनाना है, ओनली कर्व सरफेस लिखा हुआ है इसमें। तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग दी दिस कंटेनर, तो हमने साइडों से कवर करना है, मीन्स ओनली कर्व सरफेस एरिया 2πRH, तो वैल्यूज पुट कर देंगे आपका आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक पेन होल्डर है, मीन्स पेन स्टैंड है, पेन होल्डर का मीन्स है ये पेन स्टैंड है। तो पेन स्टैंड जो होता है, पेन स्टैंड किस टाइप का होता है, जैसे हम वाटर ग्लास होता है हमारे घर में उस टाइप का, सपोज करो एक वाटर ग्लास है, इसके अंदर जब पेन रखना है हमने तो ये ऊपर वाली साइड से ओपन होगा, नीचे वाली साइड से तो क्लोज होगा। जैसे ये पेन रखा है मैंने तो ऊपर वाली साइड से ओपन होगा, नीचे क्लोज होगा, तो इसका एरिया निकालना है, रेडियस भी गिवन है इसकी 3 और हाइट भी गिवन है। तो एरिया क्या आएगा आपका इस पेन होल्डर का, पेन स्टैंड का, 2πRH प्लस πR², तो दो बार πR² ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे से बंद है बट ऊपर से ओपन है, ऊपर हमने पेन रखने के लिए ऊपर से खाली छोड़ा हुआ है, आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा पेन स्टैंड, या हमारा जैसे वाटर ग्लास होता है सेम उसी टाइप का है, सपोज करो वाटर ग्लास या सिलेंड्रिकल टाइप का, तो नीचे से बंद है ऊपर से ओपन है, तो इट मीन्स एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस और नीचे वाला जो बॉटम वाला सर्कल है वो ऐड कर देंगे πR², तो ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 13.2, इसमें एरिया ऑफ सिलेंडर था, स्टेटमेंट आपसे ने ध्यान से देखनी है, या तो कर्व सरफेस लगता है या टोटल सरफेस लगता है या फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है, कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ ओनली वन सर्कुलर एंड। ठीक है, दिस इज दी फाइनल एक्सरसाइज ऑफ ऑल कंप्लीट एक्सरसाइज 13.2।